हेलो गाइस। हाँ आज हेलो गाइस, मैं जा रहा हूँ अपने ससुराल, मतलब इतने दिनों बाद मेरे घर। घर। और पूछो जरा क्यों लेके जा रहे हैं, जो कि बताया नहीं है उन्होंने अब तक। अरे यार बहुत दिन हो गए अपने मैं से तो मिल लिया मैं। जो कि कभी नहीं करता इनका मन, और आज सडनली कर गया। बस चलते हैं, तेरे घर चलते हैं। एक्चुअली सुबह हमारा हल्का सा एक झगड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार यार खुश किया जाए बच्ची को, घर मिल के आया जाए मम्मी पापा से। और भाई हेमंत चौधरी से है ना। क्या है ना, चलो भाई मैं तुम्हें आज, मेरे पास बाइक है वो दिखाता हूँ। ये मेरी बुलेट है, उसके पीछे की गद्दी है ना वो किसी पर्पस से हटाई गई है। गाइस अब हम सोने के घर पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में, और ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रही है क्योंकि मेरे मम्मी पापा यूएस से आगे थे, तो हम दोनों उनकी सेवा में लगे हुए थे, इसलिए मैं कोई व्लॉग शूट नहीं कर पाया। शायद 2 हफ्ते लेट हूँ, लेकिन अब रेगुलर होगा मामला। चल झूठा। चलो गाइस मिलवाता हूँ तुम्हारा अपने सासू माँ से और सोने के पापा से, मतलब मेरे ससुर जी से। सुनो ससुर जी, अब जिद छोड़ो। अरे एक तो रह गया बंदा उसे ही बुलाऊंगा तो यार, चाहे कुछ हो जाओ। वो है ही नहीं घर पे। यस भाई, वो मोर्चा देख के निकल ये गया। पहले ही वो कभी नहीं मिलता मुझे घर जाऊं मैं वो ट्रेन बनाने चला गया बताओ यार एक तो मिस्त्री ने जाते मेरी दाढ़ी काट दी, मजा नहीं आ रहा। मम्मी जी गाइस मैं बुलाने जा रहा हूँ अपनी सासू माँ से, तो देखो फिर मैं हूँ और ये मेरी मम्मी है और ये पता नहीं कौन है। अच्छा मम्मी जी ये कौन है, ये नहीं पता तुझे ये कौन है? अरे लो आपकी खुशी के लिए, ये मेरे पति हैं स्वामी। हाँ जी बच्ची मौत से खेल रही है। बन गई है तुझे? अरे आप चाय, अरे मम्मी जी आप इधर आ जाओ, ये बना ले चाय, आप आ जाओ चाय बना रहे डंकेर, बता रहा हूँ तुझे। हाँ आ जाओ, मम्मी अंदर बैठेंगे। Few moments later मैं कुछ जान कुछ नहीं रख लेता सोनिया से। अच्छा। मुझे एक बार बताओ मम्मी जी, यह मजाक मजाक में हाथ उठा दे बताओ। हाथ उठा दे, बाल नोच दे, इतने कतल में गंजा कर दे मुझे। हाँ। काम नहीं करते, काम घर पे दो आदमी, घर में झाड़ू वाली पोछे वाली, दो आदमी का भी काम ना होगा, सब लगा रखी इसने। आराम से मस्त 2 बजे सो के उठा, 2 पैर में। क्या बजे उठा? 2 बजे। 2 बजे 2 पैर में। अच्छा अरे मम्मी जी आदमी सुबह जल्दी भी कम से कम 8 बजे तो उठ जा, दोपहर 8:45 8-9 बजे उठ जाना चाहिए। तू क्या समझे? अपना काम करना चाहिए, झाड़ू पोछा वाली जरूरी थोड़ी है। देख लो पूछ लो उससे, झूठ बोल रहा हूँ तुम्हें। ठीक है 2-2 बजे तू सो के उठा है, हैं तो अच्छे वो थोड़े ही है, संस्कार हमने यही दिए तुझे, हमारे हम कोई उठा है 2-2 बजे तक सो कर तो तू उठा है? ये उठते हैं मम्मी 2 बजे तक। ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगी अकेली उठ के? क्यों तुम्हारे काम नहीं है घर पर? क्यों इनके उठने से पहले मैं खाना बना के तैयार रख दूंगी। अच्छा, कब खाना नहीं दिया आपको मैंने? झाड़ू पोछा लेके क्यों रखी हो?
अरे यार मम्मी आगे भी से भी खुला हुआ घर है, वो पीछे से भी खुला हुआ घर है, कितना बड़ा घर है वो, कितना धुलूंगी मैं उसको। अरे मम्मी कितना डिब्बी सा घर है वो। हां है तो बोले करो भीतर भीतर पोछा लगा ले करो, दोनों माई उससे धो दिया पाइप। अरे मम्मी पाइप से धुलने के बाद वाइपर भी तो मारना होता है। हां तो वाइपर मार दे दो बाल्टी पानी लुढ़का दे, उसमें कितना टाइम लगा है। तो आप क्या क्या कह रहे फिर मेरी मम्मी से, ये कह रहे काम नहीं करती, दो दो बजे तक सो के उठा, खाना नहीं देती आपको, मैं क्या काम नहीं करती। मैं बता दूं या खाना दे है, मम्मी खाना दे इसमें ब्रेड बटर लगा देगी। हाँ सुन रही हूँ आपका, बता ठीक है, उसपे उसका सैंडविच बना देगी, रोज सैंडविच खवा खवा कर बीमार करेगी ना। कौन सैंडविच खिला रहा है ना, तेरे का खाना ना बनाया जाए ढंग का। मैं ढंग का खाना नहीं बनाती मम्मी, कहाँ बनाऊंगा। क्यों यही कह रहे थे क्या उस दिन, राजमा बनाया था ना, हमें तो तेरा दो ढीला का भी ना लगा राजमा। तो मम्मी एक दिन राजमा अच्छा नहीं बना, मतलब उससे पहले मैंने खाना कभी भेजा ही नहीं अच्छा, हमने तो जो खाया ही ना उससे किसी ने भी। मम्मी रहन दो बस तुम, रहन दो क्या मतलब, उस दिन खाना अच्छा था राजमा। उस दिन सब्जी बनी थी हमारे एक हफ्ते बाद, बोल रहे उससे पहले मम्मी पापा नहीं थे, तीन टाइम खाना नहीं बनाती थी मैं, कौन खाना बनाने वाली लग रही थी हमारे घर में। तो उस टाइम को छोड़ दे। क्यों छोड़ दूं उस टाइम को, उस टाइम में मैंने किया नहीं क्या। नहीं वो तो किया लेकिन जब मम्मी पापा नहीं है, नहीं होते तब क्या होता। तो आप अपने टाइम का स्केड्यूल ठीक करो, मैं खाना बना के दूंगी आपको, आपकी गलती है, सारी गलती मेरे पे, मेरी कैसे हो सकती है मम्मी सारी गलती। जब सो गए होंगे तो खाना दे देना। मैं खाना नहीं देती आपको जब आप सो गए उठते हो। इनसे लड़ती है, इनके बालन न नोचती है, गंजे हरकतें होती है, ऐसी गंजे कर दिए तने, कैसी हरकतें करते हो मेरे साथ, क्यों झूठ बोलते हो। आधे भी बाल ना रहे सिर पर, मतलब वो मम्मी इनके तो बड़े वो बन रही थी मेरा शब्द नहीं आ रहा, बड़े घोंसले लग रहे थे इनके बालों में, बाल झाड़ दिए, दाढ़ी नोच नोच के छोटी कर दी, इसीलिए लाए थे क्या मुझे। नहीं आप मुझे यहाँ इसीलिए लाए थे कि चल तेरे घर लेके चलता हूँ सुबह। मैं तो अपना हाल बताने आया था मम्मी जी को, हर समय हाथ उठावे है, हाथ चलावे है, ज्यादा दिमाग खराब करने की समझ आ गया, यही संस्कार ज्यादा है मुझे। मम्मी जी को बताओ मम्मी क्या संस्कार दी, क्या इनकी हरकतें भी देखी है कभी, हमारे हर चीज में मेरे से झूठ बोल के मजाक करते रहेंगे मेरे साथ में, मुझे गुस्सा नहीं आता। ये आए कि हमसे तेरी शिकायत लगाएंगे, हमारे घर में तो आज तक किसी लड़की की शिकायत नहीं हुई, बताओ जो इन्होंने लगा रहे हैं ये। तो यार मम्मी झूठी शिकायत कर रहे हैं मम्मी, झूठी झूठी बोल रही है, झूठ बोल रही है सामने पे कह रहा यार, और फिर भी झूठ बोल रही है। अरे यार मुझे आप सच में मतलब ये लगता है मैं खाना नहीं बनाती आपके लिए, कितना झूठ बोल रहे। खाना बनावा है बेकरी वाले मार लिया, खाना बनावा है ज्यादा मत बोलो, समझ आ रही है मुझे तो बनाना चाहिए। अब क्या शिकायतें करने के लिए लेकर आए थे आप यहाँ मुझे। मैं शिकायत के लिए मुझे आपसे नहीं ना, टाइम पे बनाना चाहिए, टाइम पे उठना चाहिए मम्मी, कभी टाइम पे नहीं हूँ, मम्मी पापा थे, मैंने एक बार भी शिकायत का मौका दिया मम्मी पापा, सुबह 7 बजे उठ जाती थी, सब में लड़ाई करती रह गए, उनके बालन में नोचती रह गए, इनकी हरकतें भी तो होना, मम्मी कैसे मजाक करते रहते मेरे से। मुझे एक चीज बताऊंगी, तेरी क्या मजाक है ये बाल नोचने की, तू तो जो मेरा आधे हाथ चला रही है तो तू पीछे ना चलाती होगी मम्मी। यार तुम्हें लग रहा है कि सच में तुमने ऐसे संस्कार दिए कि मैंने खाना नहीं देती, ये नहीं करती, मुझे तो लग रहा है और क्या, मतलब तुम्हें भरोसा नहीं है मेरे पे, इन्होंने जो कह दिया उस बात पे भरोसा तुम्हें ना, तू यही के वहां मैं सोच रही होगा कहीं यहाँ करना ना पड़ेगा तो तुझे वहां भी करना ना पड़ेगा, वहां यहाँ क्या नहीं किया मैंने तो वहां तो करना पड़ेगा बेटा। घर में मम्मी जी पति एक हल्का सा मजाक कर दे ऐसी फोन के, हल्का सा मजाक और ज्यादा मत बोलो, समझ आ रही है ना कुछ, ये तो आंसू आ जाए क्या, आंसू आ जाओ क्या, आंसू आ जाते, कितना झूठ बोल रहे हैं, हल्का सा मजाक हो रहा है, दांत निकालने से लग रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, आंसू आ रहे कहां, देखो कहां टिश्यू निकल रहे हैं कि आंसू आ रहे हैं इनके, हां मीच मीच का आंख सारी फोड़ लो ना, बन रहे ज्यादा मेरे से तो सारी बात मम्मी बताई हुई जाती है, मैं आपको बता ना, तो तुम क्या बात है बताओ,
मैं बता रहा, मैंने हल्का से ऐसे इस पर आटा लगा दिया यहाँ। ऐसा तो हंसी मजाक बताओ, झूठ बोल रहे हो ऐसे? मुझे बताओ, मैंने हल्का सा ऐसे कर दिया, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। क्या कर रही, ऐसा कर दिया, ऐसे क्या? देख लो अब खुद देखो, तू तो हमारे यार है जो बदतमीजी कर रही है। तो भाई सच सच बोल, तो सच में समझ में आ रही है ना, घर तो जाना ही है ना मेरे साथ ही। देख लो आपके सामने धमकी दे रही है और अब झूठ बोलना बताओ ना। तो हमारे सामने धमकी दे रही है, मम्मी धमकी क्या दे रही हूँ, मैंने झूठ बोल रही है सरासर। क्या झूठ बोल रहे हैं, जो बात है वही तो बता रहे हैं। तो यार मतलब इन्होंने जो बात कही है वही सच्ची है मम्मी, मेरी कोई बात सच्ची नहीं। मम्मी देख रही, तू कैसे मार रही मेरे, अभी देख ले, यही का हाल देख ले। मैं इस कुर्सी पे से गिरा दूंगी, समझ पा रही है? अपने आप में आप समझ रही हो, तो कुर्सी पे से गिराऊं तुझे? तो मम्मी ये सच में झूठ बोल रहे हैं यार, मैंने एक भी ऐसा काम नहीं किया। मम्मी पापा आए थे, कितने अच्छे से सेवा करी, वो नहीं बता सकते? इनको खाना नहीं दिया मैंने, बताया मैंने कितनी सेवा करी? आपने सेवा करी? तीन टाइम का खाना आप बना रहे थे? खाता कौन था? मैं ही खाती थी, और कोई घर में जो लोग आए हुए थे या मम्मी पापा आए हुए थे या आप थे, वो खाना नहीं खाते थे? अरे तो क्या हो गया, बना खाना नहीं खाऊंगे, जिंदा है तो इंसान, तो खाना ना खाएंगे, वो क्या हो गया तेरे, बना दिया था? बताओ तो ये क्यों कह रहे, मैंने करी थी सेवा, क्या सेवा करी थी? अरे वो तेरे बड़े बूढ़े ना है, अरे बात नहीं आ गए, तेरे कर दिया तो क्या हो गया? अरे यार मैं तो कह रही हूँ, मैं तो चाह रही हूँ हमारे साथ रहे, मैं कैसी बातें कर रही हूँ? हाँ तो फिर झूठ बोल रहे हैं बेकार में, यहाँ भड़काऊ मत, समझ आ रही है मेरी माँ को? भाई मैं मम्मी जी सामने देख रही है, तो हरकत दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ आ गए यहाँ आग लगाने के लिए, उधर जाओ, समझ आ रही है ना? थोड़ा सच सच बता दिया करो किसी इंसान को, हर बार सुधर दो, मतलब मैं क्या आपके बार लड़ाई पड़ा रहा हूँ? बता तू अपनी हरकतें दे, मेरी क्या हरकतें हैं, शराफत कुछ कहती नहीं मैं, तू मजाक से पहले खाना बना देगा, तेरे को खाना ही बन जाएगा, वही बड़ी बात है, मजाक तो तुझे ऊपर है। तुम भी यार, अगर अम्मी मैं खाना शुरू करूं ना, इस बेचारे को ऐसा नहीं होता, मुझे कंटिन्यूअसली रोटी लाके देती रहे, बैठना पड़ेगा मुझे आराम से, चलो जब रोटी अगले एक घंटे बाद आऊंगी, एक घंटा में रोटी है, सेक है एक रोटी है, मतलब ये लक्षण है अच्छी लड़की के? क्या लक्षण है? देख लो आपके सामने मारे हुए रोटी जो बनाने वाले दो आदमी बैठा खवा दे, रोटी ना टूटती है, वो होगा रोटी बनाने वाली। अगर मैं गैस पे बैठ जाऊँ ना, इसमें तो बोल दी होने की मुझे बेड से गिरा दिया, बेड से गिराने वाली अच्छी हरकत है कोई? मैं सो रही थी, मेरे हाथ पकड़ के बेड से नीचे पटक दिया मुझे, इसे प्यार छोटा खड़ा कह रहे थे सोनिया उठ जा, गिरा उठ कर ये मुझे प्यार से उठा के खड़ा करेंगे, बकवास करने की जरूरत नहीं, झूठ झूठ जीवन में सच बोलना सीख लो, झूठ ही झूठ बोल रहे मेरी माँ से, यहाँ इसीलिए लाए थे, क्या कह के लाए थे? जिनसे होगा मिली नहीं है, अब वो बात कर रहे हैं तो तेरे क्यों नहीं करन दई, अब तू हाँ भेजी ही चाय बनाने के लिए, तो चाय क्यों नहीं? मैं सुन रही, क्या कह रहे थे? यहाँ खोटियाँ पीट है मेरी, देखो मैं आपको सामने मार रही, ये तो यहाँ तो हाल है, आपको सामने मार रही, बताओ बैठ के यहाँ, मतलब इसलिए अंदर लेकर आए कि मेरी खोटी पीट सको, मेरी बुराई कर सको? अरे तो दो चार बात वो बतला रहे, ऐसे चुगली करने से लग रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, चुगली झूठ हो मम्मी, ये दमाद है, अगर कहीं झूठ हो सकते हैं ना तो तुम बोल सकते हो कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसे ऐसा लिख के नहीं आए कि इनका इनको बुरा लग जाएगा, तो तुम्हें सारी बात इनकी सच्ची लग रही है? बुरा लगने की क्या बात कही है भाई, मैं तो सच बोल रहा हूं, तुमने सारी बात सच कर ली, मतलब है ठीक है, तो मैं ऐसी हूँ, मतलब मैंने शादी से पहले भी घर में कोई काम नहीं था, ऐसी बता, नहीं तुमने ऐसी कहा ना कि मैंने खाना नहीं, वहाँ पर खाना नहीं बनाया ना शादी से पहले, यहाँ पर क्यों? तुम बीमार पड़ी थी ऑपरेशन में, कौन खाना बनाता था? वो तो मजबूरी, मजबूरी अच्छा, तो मतलब मैंने मजबूरी में काम करा, तुम अपने घर नहीं गई अपनी मम्मी से मिलने के लिए, तो मैंने खाना नहीं बनाया, पढ़ती पढ़ती ससुराल चली गई, तब टाइम नहीं कहा मिला खाना बनाने का, कैसा रही? तो टाइम नहीं मिला तो जितना मेरे को आता उतना मैं बना देती हूँ, जब भी कुछ ढंग का बनाऊंगी, आपको तूने अपने भाई को बुलाया होगा, ऐसे कर देते आज हमारे घर में कुछ अच्छा बना, झूठ है तो बता दे जा, अरे
कि मेरा भाई बेचारा मेरी खा लेगा मेरे हाथ का, तो आपको क्या बिगड़ जाएगा मुझे ये बताओ जरा। मैंने कहा मना करी कि वो खा ले, कुछ बिगड़ गया पर कम से कम मुझे तो खाना दिया करना। कब खाना नहीं देती, क्यों झूठ बोल रहा बेकार में। रोज जब उसके लिए बना रही है ना, उसके लिए बना सके तो भाई के लिए, तो पति के लिए क्या दिक्कत है। मतलब एक कब नहीं बनाया, पति के लिए ब्रेड जब वो 8 दिन में जावे तो उसके लिए अच्छा बना रहे ना, वो तो अच्छा बना खवाएगा। अब ये बीमार हो रहे हैं, इनका मुंह देख लो आप, है ना, तो ठीक है ना, तो कमजोर हो रहे हैं। कितना बुरा मुंह कर रहे हैं, ज्यादा भरने की जरूरत। कितना कमजोर लग रहा है तुझे, दिख रहा है ना पहले सब। कमजोर लग रहे ना, तो मैं भी पड़ी रहूं, फिर मुंह लटका क्या कर लोगे। हिप्पोपोटामस कभी लग नहीं सकता। इसे देखना, मैं बात होगी यार आपके सामने आ रही, बताओ मतलब क्या 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 है रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा, तू देख। मम्मी मम्मी बोल रहे सच बोला, अगर तूने मेरे बाल पकड़े धरती पे देखा मारता मुझे, तो घर चलो जाओ। मम्मी जी आती तुमने बताई भी नहीं आपको, खींचन लगूंगा जैसा तू खींचा है उनके। बताइए तुझे दुख लगेगा ना। आपको पता एक बार मेरा सर देखा मारता है कोने में, इसमें अंदर ऐसे घर पे, मैं बता भी नहीं पाया किसी को। बाल्टी बाल्टी तो नहीं फेंकी थी खून की। देखो मैं मम्मी क्या मम्मी, अच्छा अपने भाई तो मम्मी। ठीक है गाइस, घर चलना ठीक है गाइस, आज का मेरा दिन सफल हो चुका है। जिंदगी खराब कर दी मेरी स्वामी ने। देख लो मम्मी जी, मैंने झूठ बोला। सच बोल जाओगे कि नहीं बोल जाओगे मम्मी जी, आप सच बताओ मैंने कुछ झूठ बोला। क्या झूठ बोला हूँ, तो बस तो ठीक है, तुम इनकी बातों में आके तुम्हें अपनी औलाद पे विश्वास नहीं, ठीक है ना, समझ गई। अच्छा सामने नहीं कर रही है औलाद, बात ही नहीं करनी, अपने अपनी लोचाए बना के। मुझे क्यों ना विश्वास है, विश्वास है तो तुम एक भी बात पे मेरी बात पे विश्वास करा। अरे तो जो वो गलती बता, मैं गुदी छेद दूंगी, समझ में आएगी ना, तो अपनी गलती सुधारो। देख लो मुझे आपके सामने मार रहे हो, बताओ मैं क्या ही कहूँ जब, बताओ समझ में आ रही हो कुछ। देख मम्मी तो, मम्मी तो रुक भी गई, तू तो रुकती भी नहीं। तुझे मेरी कसम में खोल दे, तो खोल। अब खुल जाएगा। अरे बच्चा यार, कैसा मारा गई लड़ाई कर रही है तुमसे। तो हमारा आगे सब हो रही है, कम से कम हमारे तो शर्म करो। हैवे ठीक है गाइस, आज का व्लॉग मेरा शायद सफल हो चुका है। एक बार मैं आपको सोने से मिलवाता हूँ, फिर व्लॉग को एंड करेंगे इसको। मुझे लगता नहीं इसमें कुछ आगे कर भी पाएंगे। सोनिया आज मुझे बड़े दिन, मतलब बड़े दिनों बाद मैं अपनी सासू माँ से मिला, मतलब मजा आ गया सीरियसली। ओके गाइज़।